में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। स्वागत है आप सभी का उस कार्यक्रम में जिसमें आप मेरे साथ सिर्फ कहते ही नहीं है, बड़े दिल से चिल्लाते हैं वाह वाह क्या बात है। अब चिल्लाते इसलिए कि भाई जो खुशी होती है जब आदमी के हृदय में जब वो भरपूर होती है तो जुबान पे आती है, और जब जुबान पे आती है तो वो सारे जमाने को दिखाना भी चाहता है। और वाह वाह क्या बात है में इतनी खुशियां मिलती है आपके हृदय को कि आप सारे जमाने को कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मेरी दोस्त नेहा के मेहता यानी अंजलि तारक मेहता और हम दोनों मिलके हमारे इन तमाम दोस्तों का फिर से स्वागत करते हैं जो कल से हमारे साथ हैं और इस मकर संक्रांति के महा मेगा एपिसोड में पीच लड़ा रहे हैं कविताओं के और सुना रहे हैं कुछ ऐसा कि आपको भी आनंद आ रहा है। जितनी मिठास तिल और गुड़ के लड्डुओं में होती है उतनी ही मिठास यहाँ इन कविताओं में है, और जितने पेच आसमान में पतंगों के लड़ते हैं उतने ही यहाँ शेर व शायरी और कविता के जिस तरह से डोर कट जाती है यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आइए एक बार स्वागत करें हमारे कवियों का और कहें वाह वाह क्या बात है। तो आइए परिचय करते हैं हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ हैं शकील मालेगावी जो कल से उसी सूट में बैठे हुए हैं। उसमें क्या सूट तो कर रहे हैं, जहाँ बैठे वहाँ सूट कर रहे हैं। वाह वाह भाई इनके लिए जरा तालियां बजाइए। वाह 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 क्या बात है भाई। मैं ये शब्द सुनने के लिए कई साल से बेताब था, तरस रहे थे। सूट कर रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा। हाय 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 हाय। देखो आप कविताओं की पंक्तियों को इसी तरह अपने शब्दों से शूट करें और भगवान करें कि शकील मालेगावी जिंदगी भर आपको शूट करें। तो जब शूट कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए तो भैया जच रहे हैं, डोंट यू वरी। भैया देखो किसी मासूम की खुशी एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं है, मतलब की छोटा दिल है इनका। लेकिन जो अनीता सोनी है वो मोहब्बत के गीत लिखती हैं, बड़ा दिल है उनका। इंदौर से हमारे बीच में आती हैं और मोहब्बत के गीत वही लिख सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो। और वैसे महिलाओं का दिल छोटा होता है और पुरुषों का बड़ा होता है। मैं साबित करता हूँ कैसे? कैसे महिलाओं का दिल इतना छोटा होता है कि एक वक्त में सिर्फ एक पुरुष आ सकता है और हम पुरुषों का दिल संभावनाएं अनंत हैं। ये दिल की बात है और इससे मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक रखेंगे पॉपुलर मेठी साहब। आपके दिल के टुकड़े तो खैर न जाने कहां कहां गिरे लेकिन जहां भी गिरे कमाल किया, क्योंकि आपकी शेर व शायरी दुनिया में न जाने कितने मुल्कों में सुनी गई और जहां जहां सुनी गई लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है। स्वागत है हमारे साथ इधर दिल्ली से आए राकेश सोनी हैं जो अपने खास अंदाज में कविताएं करते हैं। अकोला महाराष्ट्र के घनश्याम अग्रवाल है जो अपनी कविताओं से और अपनी लघु कथाओं की वजह से बेहद मशहूर है। वेणुगोपाल भट्टड़ है जो अपनी क्षणिकाओं से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट भरने का काम करते हैं। तो ये तबस्सुम के तमाम जो वाहक यहाँ बैठे हैं ये ठहाकों के जो सौदागर हैं और हिंदी और उर्दू कविता और शायरी के ये जो खवैया हैं इन सब के लिए एक बार हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो क्या बोलते हो शकील भैया, मतलब कि महफिल को शुरू करें अब? जी जी इजाजत है। तो क्या बोलती हूँ सबसे पहले किसको बुलावे? नेहा जी को नहीं, मतलब यार तुम्हारा कैरेक्टर तो यहीं आके ऐसा अटका है भैया। नहीं सर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी मुसीबत दूर कर रहा हूँ। शकील भाई ये गलत बात है। क्या मतलब गलत बात? क्या मुसीबत दूर करना? हाँ तो नहीं तो? ऐसा बोलना, ऐसा बोलना कि यहाँ से हट जाएं? नहीं तो क्या बोलना? आपकी मुसीबत है। हाय हाय हाय, हम ये मसला यही छोड़ते हैं और आइए बुलाते हैं उन्हें जो सचमुच बड़े ही पॉपुलर है। पॉपुलर मेठी साहब मैं चार चार पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूँ। इरशाद सुनाए पॉपुलर भाई। कि जुबैदा करिश्मा करीना नसीमा, अगर कोई हो तो मुझे माफ कर दें। जुबैदा करिश्मा करीना नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इसका जोश होता है धीमा। क्या बात, कुछ अनीता कुछ कहना चाह रही थी आप इस पे?
उम्र का, बालों का, दिखने का, रंग का मेरे ख्याल में शैलेश जी कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि दिल का लगाव रखते हैं दिल के लगाव से। मिलता नहीं स्वभाव किसी के स्वभाव से, हम प्यार करने वाले भी कितने अजीब हैं, दरिया को पार करते हैं कागज की नाव से। लेकिन आप मोहब्बत की इनसे उम्मीद न रखें, क्योंकि गर्मी नहीं मिलती बुझते अलाव से। शैलेश जी, हाँ, आपकी बात के लिए चार पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। जी। यूं तो गम सारे जमाने के उठा सकती हूँ, हाँ, प्यार से गैर को मैं अपना बना सकती हूँ, और जिद पे आ जाऊं मैं सोनी तो जमाना देखे, आग नजरों से मैं पानी में लगा सकती इन्होंने मिश्रा अभी शेर पड़ा, पानी में आग लगा सकती हूँ, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, देश में गैस की बहुत तकलीफ है, आप आंखों से आग लगाते फिरे। और ये चार मित्र देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। आह का गोदाम। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और ये चार पंक्तियाँ देखें कि किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ। गंभीर होकर, किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और ये चार पंक्तियाँ देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, हाय हाय, आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। के बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नजर, जैसे टकरा दे कोई शमशीर से शमशीर को, ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। बात तो जब है और फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी, जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली, रोड डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी नहीं है गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला, हाय हाय, और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफूका निकला। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी। और ये चार पंक्तियां और के खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं। भाई मेरे दिल में इतनी सी ख्वाहिश है कि तेरे घर में मुशायरा कर दूं, लेकिन आपने तो घर घर में ऐसा आज अपने शेरों को पहुंचा दिया है, अपने कतात को पहुंचा दिया है कि हर घर इस वक्त आप ही का मुशायरा चल रहा है। इस वक्त तो इनकी इस खूबसूरत अदायगी के लिए यही कहेंगे, वाह वाह क्या क्या बात है। और अब बुलाते हैं उन्हें जो इंदौर से हमारे बीच में आई है, जो बहुत बढ़िया गजल कहती हैं, और उन्होंने शायद पीएचडी भी गजलों पे ही की है, हिंदी कवि सम्मेलन में लोकप्रिय कवित्री हैं, और नाम है उनका डॉक्टर अनिता सोनी। अनिता जी स्वागत है आपका। ओह नेहा, थैंक यू, माय गॉड, चलिए कविता शुरू करते हैं। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि यहाँ आकर आज मुझे कैसा लग रहा है। जी। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, वाह वाह वाह,
हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया, पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में मगर, पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में मगर, मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया, मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। आप इतना अच्छा आपने सुना दादी, चार पंक्तियों के आप हकदार हो गए हैं, स्वागत सुना। मोती को आसमान का आंसू बना दिया, वाह, तारीफ करके हुस्न को जादू बना दिया, हर झूठ अच्छा लगता है उसकी जबान से, खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना दिया। ऐसे ही उसने आज उल्लू बना दिया। ऐसा नहीं है शैलेश जी, महिलाएं उल्लू ही नहीं बनाती, आप सबका हमारे घरों में उल्लू पालती जरूर है घर में एक एक। ऐसा ना सोचे, आप सबका, आप पुरुषों का हमारे घर में, हमारे स्त्रियों के मन में क्या स्थान है, क्या जगह है। चार पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और नेहा की तरफ से करती हूँ जी। न हो जब हम सफर कोई सफर अच्छा नहीं लगता, क्या बात है, तो रंगो नूर बरसाता नगर अच्छा नहीं लगता, अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता भाई, क्या बात है। बहुत धन्यवाद शैलेश जी, और अब आप सहमत हो गए होंगे कि आपका कितना सम्मान है दिलों में, घरों में, आप सबका, आप सब सुनने वालों का। शकील साहब के यहाँ एक बार कवि सम्मेलन में मुझे जाना हुआ था, इनके घर पर मेरा रहना हुआ। इनकी धर्मपत्नी से मैंने कहा कि भाभी जी, शकील साहब तो बहुत ही उम्दा किस्म के शायर और इतने बड़े नाजिम मुशायरा है, तो उन्होंने कहा अरे अनीता जी ये सब हाथी के दांत है, ये देखने के हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने इस गीत में लिखा जी। वाणी मेरी और बाकी सारा जो इस गीत का मसाला है वो यहाँ से निकला है। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो, रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो, सारी रात वो बोतल खींचे, सारी रात वो बोतल खींचे, फूट गई तकदीर भारो साजन खेले सट्टो, काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी, काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी, रे हरा चना को साग बनायो कढ़ी करी रे खाटी, अरे दो नहीं हाथ से लाडू खावे, दोनों हाथ से, दो नहीं हाथ से लाडू खावे, चट्टो गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो, मैं खेता खेता काम करूं वो घर में बैठो रे वे, अरे छोरा छोरी शोर मचावे फिर भी लेट्यो रे वे, अरे डेढ़ साल में दो दो बच्चा, डेढ़ साल में दो दो बच्चा खानदान पे बट्टो, चढ़ तो जो बन देख मुछल्ला रखिया है जब गावे, अरे यो कायर भरदार पलंका नीचे ही छुप जावे, अरे मैं समझी बंदूक थी पर यो निकलियो देसी कट्टो, रे फूट गई तकदीर भारो साजन खेले सट्टो। और आखिरी बन पड़ती हूँ, सुबह अपनी पत्नी से बिछड़ते हैं तो सारा दिन उसे पहचानते ही नहीं है कि ये अपनी वही वाली है। तो उसके अंदर की पीड़ा का बंद देखिए कि वो क्या कहना चाहती है। रे सास ननंद से छुप के दिन में मारे पास न आवे, रे सो थकी मांदी जब रात में जौन यो मारी खावे, जब मैं आंख दिखाऊं तो फिर पांव दबावे पट्ठो, रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो, भाई अनीता जी आपने बगैर कुछ कहे शकील साहब को बहुत कुछ कह दिया।
तब मुझे एक शायर के दो शेर याद आते हैं कि गुबार दिल से पुराना नहीं निकलता है, कोई भी सुलह का रास्ता नहीं निकलता है, लड़ाई कीजिए मगर सलीके से, शरीफ लोगों में जूता नहीं निकलता है। तो आपने ये जो मगर कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया है दिया, लेकिन कह दिया तो कह दिया, अब ये तो बड़ी मिठास के साथ जी जी, ये तो पतंगे हैं, यहाँ तो पेश लड़ते रहेंगे और हम आनंद उठा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आइए इस हंसी और खुशी को और आगे बढ़ाते हैं, द्विगुणित त्रिगुणित और बहुगुणित करते हैं उस कवि के रूप में जो अपने खास अंदाज में कविताएं पढ़ते हैं, नाम है उनका घनश्याम अग्रवाल। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं। एक सच्चा व्यंगकार किसी के बाप को नहीं छोड़ता और व्यंग लिखने पे आ जाए तो अपने आप को नहीं छोड़ता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कवियों में बड़ी एक कमजोरी होती है, श्रोता मिला कि कविता पेल दे। ढूंढते रहते हैं हम श्रोता, जहां मिले कविता सुना दे। और उसके लिए हम कई उपाय काम में लाते हैं। एक कवि ने तो एक बच्चा चुराया, अच्छा, और फिर पत्र भिजवाया, आपका बच्चा हमारे पास सकुशल कैद है। बच्चे की रिहाई के लिए आज रात मेरी कविता सुनने कवि सम्मेलन में आना पड़ेगा। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलन के बाद बच्चा घर लौटा देंगे। खबरदार, जो पुलिस की मदद ली तो बच्चे को 40 कविता सुना देंगे। श्रोता तलाशते रहते हैं। वाँ, वाँ, अभी मकर संक्रांति पे तो हमारे कवि मित्र अपने पतंग पे मुक्तक लगा के उड़ाता है, किसके बाप की ताकत ने काट लेकर। एक दो ने उसकी पतंग काटी, मुक्तक पड़ा, पतंग बाजू छोड़ दी। और यह रचना मैं आपको सुना रहा हूँ कवि नियोजन, और यह रचना मैं शैलेश जी को समर्पित कर रहा हूँ जी। जब आदमी का दिमाग आधा खराब हो जाता तब वो कविता लिखता है। और दिमाग पूरा खराब हो जाता तब वो कवि सम्मेलन भराता है। अच्छा। उस दिन हमारे ऑफिस में परिवार नियोजन सप्ताह मनाने की बातें चालू थी। अचानक मेरा दिमाग जो हमेशा आधा खराब रहता है उस दिन पूरा हो गया। मेरे से मुंह से निकला एक कवि सम्मेलन रख लो। ऑफिसर बोले पैसे बहुत लगते हैं तो मैं बोला लोकल कवि सम्मेलन रख लो। बेचारे लोकल कवि तो चाय पीकर ही कविता सुना दे। साहब, मैंने दूसरे दिन अखबार में छपा दिया कि आज 9 बजे परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन होने वाला है। मैं समझा कि हजारों की संख्या में पब्लिक आएंगी तो परिवार नियोजन का प्रचार होएगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा। पर वहां सिर्फ 250 आदमी आए थे। मैं माइक पे अनाउंस किया, जो कवि उधर उधर बैठा है कृपया मंच पर आओ। मेरा इतना बोलना था, 250 में से 225 आदमी उठ के मंच की ओर भागे। 225 आदमी उठ के मंच की ओर भागे। मंच पे बैठने को झगड़बा लागे। सामने 10-15 श्रोता बैठे थे। मैं दिल में बोला इससे तो आपा श्रोता सम्मेलन भराता तो ज्यादा फायदे में रहता। मैंने उनसे कहा मैं इतने कवियों से कविता नहीं पढ़ा सकता, तुम अपना नाम लिखकर दे दो, मैं लॉटरी सिस्टम से 15 नाम निकालूंगा। कवियों की पर्चियां आ गई, मैं उसको गिना तो 1325 भरी। मैं बोला परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन और नए कवि पैदा हो रहे हैं। तब मेरे मित्र ने बोला ऐसी बात नहीं है, एक एक कवि ने अलग अलग नाम से 10-10 चिट्ठी डाली है कि कहीं ना कहीं नंबर लगे। जब मैंने 15 नाम निकाले तो वो कवि तो खुश होके भांगड़ा डांस करने लगे। बाकी का कवि मेरा गला पकड़ लिया, बोले तुमने बुलाया है तो कम से कम तुमको तो सुनना ही पड़ेगा। बोला ठीक है भैया सुनाओ, पर तुम मंच पे नहीं माओगा, नीचे लाइन लगाओ। देखते देखते कवियों की लाइन लग गई। मैंने उनको डायरेक्ट बोला कोई भी कवि 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं कहेगा। और उनको कहा भाई साहब मैंने 15-20 चाय पान के पैसे सेंक्शन करवाए हैं, तो तुम चाहो तो एक एक घूंट चाय की पी लो, नहीं तो तुम तुम्हारे हिसाब से 80-80 पैसे नकदी ले लो। 80-80 पैसे। कवि बोले कुछ नहीं चाहिए, पर तुमने टाइम 1 मिनट रखा है उसको बढ़ा दो। मैं बोला टाइम बढ़ाऊंगा तो ये कवि सम्मेलन 15 दिन तक चलेगा। मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं होगी। तो मैंने अध्यक्ष के पास एक घंटी बुलाकर रखी
और कहा एक मिनट हो जाए तो घंटी बजा देना और कवियों से कहा घंटी बजते बराबर माइक छोड़ देना। उतने में कवि आया, सबके पहले तो घंटी उठा के जेब में रखा और बोला मेरी कविता का शीर्षक है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तब मैंने चपरासी को कहा देख अब कवि सम्मेलन पूरा फॉरम पे आ गया, अब घंटी से काम नहीं चलेगा, तू दूर खड़े होके घंटों बजाया कर। वो बेचारा इतना घंटा बजाया कि फायर ब्रिगेड की मोटर आ गई पर कभी माइक नहीं छोड़ा। तब मजबूरी में मैंने दो पहलवान को बुलाया, बोला पहलवान जी घंटा बजने के बाद कभी माइक छोड़ देवे तो ठीक, वरना उनको उठा के मंच के बाहर फेंक देना, मैं तुमको फी कभी 5 रुपया देऊंगा। तो एक कवि पहलवान को बोला पहलवान मेरे को मत फेंकना, मैं 50 रुपया देऊंगा। बहुत अच्छे। पर पहलवान मेरी बात माने, उसके दो कारण थे, एक तो मेरा सौदा थोक का था, दूसरे पहलवान को भरोसा नहीं आ रहा था कि कवि और 50 रुपये। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। बड़ी मुश्किल से हम 15-20 कवि को उठा के बाहर फेंके, पर मैं देखा लाइन उतनी की उतनी, क्योंकि जिस कवि को उठाकर बाहर फेंकते वो दौड़ के फिर से लाइन में लग जाते। तब मैंने चपरासी को कहा तू पिछले हिस्से में खड़ा रहे और ख्याल रख जो शक्ल तुझे एक बार माइक पर दिखे वो शक्ल लाइन में नहीं आनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि एक दाढ़ी वाला कवि आया, कविता बोली, मंच के नीचे जाकर अपनी दाढ़ी ने काट के फेंक दी और लाइन में लग गया। क्या बात है। दूसरा कवि आया, कविता बोली, उस कतरेवी दाढ़ी को चिपकाया और लाइन में लग गया। क्या बात है। मैं समझ गया लाइन में कुछ न कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक। मैं लाइन की चेकिंग करने गया तो क्या देखता हूँ, उस लाइन में 4-5 बच्चे 6-7 साल के भी खड़े थे। मैंने एक बच्चे से बोला क्यों रे तुम भी इस कच्ची उम्र में कविता लिखते हो, बोले नहीं हम ऐसा गंदा काम नहीं करते। कविता तो हमारे अंकल लिखते हैं पर वो चाय पीने को बाहर गए तो नंबर लगाने के लिए हमको बैठा। इसीलिए मैं छोकम कविता बहुत कम कविता सुनाता हूँ और इसके पहले आप पहलवान को बुलाए मैं घर जाता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई बिल्कुल सही कहा आपने, घनश्याम जी के स्वयं पे व्यंग करना बेहद कठिन काम होता है, लेकिन आपने स्वयं पे व्यंग किया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह क्या बात है आपके इस अंदाज के लिए, बहुत ब्यूटीफुल दैट वाज। लेकिन सचमुच कुछ कवि होते हैं इतनी लंबी सुनाते हैं कि पता ही नहीं चलता। एक कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि कोई 85 साल के थे, कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे। कवि को गिरफ्तार किया गया, जज ने पूछा भाई क्या किया इस कवि ने, बोले साहब मुख्य अतिथि शहीद कर दिए। तो बोले इसको फांसी पे चढ़ा दो। कवि अपनी अंतिम इच्छा बताओ, बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं कि ये तो शायर का अंधेर, एक गजल में 17 शेर, ये तो शायर का अंधेर एक गजल में 17 शेर और मेरा नंबर आने तक सुनने वाले सारे ढेर। तो सुनने वाले सारे ढेर कर देते, लेकिन हमारे यहाँ तो वो कवि आते हैं जिनके लिए लोग एक रात दो रात नहीं कई रातें बैठ के इंतजार कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि अभी क्या क्या होने वाला है, बताता हूँ कौन है, कौन आएगा जो आज छुपा रुस्तम में होगा, अभी नहीं बताऊंगा उसका नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। फिर से आपका उसी कार्यक्रम है जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। रोज सुबह एक अलग सुबह होती है, रोज सुबह एक अलग सुबह होती है, वाह क्या मिश्रा है। पर ये संक्रांति के दिन की जो सुबह होती है वाह वो कैसी होती है, ये सवाल है या कविता है? नहीं, आप कैसे मनाते हैं? मैं रंग खेलता हूँ उस दिन। जमीन चक्कर छोड़ता हूँ, राखी बनवाता हूँ जाके। आप कैसे मनाते हैं? ऐसे नहीं मनाते संक्रांति की सुबह, पतंग जगा के मनाते हैं। तो जब एक सेकेंड, ये क्या चाहिए? नहीं, ये पतंग, पतंग।
ये पतंग आप देख रही हैं? हाँ। मकर संक्रांति के दिन छत पे जाके हम पतंगे उड़ाते हैं। समझ गई आप? जी। आपको समझ में आ गया? हाँ। हे भगवान। आ गया समझ बिल्कुल, आ गया। बिल्कुल मतलब इनको समझ में आ गया मतलब ये के पड़ोसी देश सुधर गया है। इतनी आसान काम बड़ा मुश्किल काम है। हाँ बस ऐसे ही पतंगे उड़ाई जाती है, ठीक है ना? क्या बात है। चलिए तो अभी हम हमारे छुपे रुस्तम को बुलाएं, उसके पहले पतंगों का एक आध पेच लड़ना चाहिए। राकेश तुम कुछ कहना चाह रहे थे? अनीता जी बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया कि तुझको अल्लाह ने फुर्सत में बनाया होगा। तुझको अल्लाह ने फुर्सत में बनाया होगा, तूने तब जाके कहीं हुस्न ये पाया होगा। और तुझको भेजे वो जमी पे के वहीं पे रख ले, हो ना हो ऐसा ख्याल उसको भी आया होगा। तू भी सोनी मैं भी सोनी, तू भी सोनी मैं भी सोनी, चल कर दे दोनों अनहोनी। ओहो बात अगर प्यार की है तब तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जख्मों को मेरे अश्क ही सहलाते हैं। वाह 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 वाह। जब भी मैं उनको पुकारूं वो चले आते हैं। क्या बात है, क्या बात। प्यार की राह में मुझको ही तो मंजिल न मिली, लोग तो चांद पे जाकर भी पलट आते हैं। तो सोनी जी प्यार के लिए तो बहुत देर हो गई है, हमारी उम्र निकल चुकी है। प्यार भले ही कर ले पर जिंदगी इतनी सीधी सादी नहीं होती। जी जी जी। दोनों के सरनेम एक हो तो हिंदुस्तान में शादी नहीं होती। सही बात। इनकी तरफ से चार पंक्तियां। जी 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 जी। के रोज ही जाना मुझे पड़ता है थाने को। हाँ। सुबह से शाम ही हो जाती है घर आने को। हाँ। कभी घूसे कभी लाठी कभी उठक बैठक। हाँ। ये गिदा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। काफी सारे पतंगे उड़ रही है कब से, कविताओं की ये है वो है, आसमान में भी काफी सारे पतंगे कटती है उड़ती है चढ़ती है। एकाध पतंग ऐसी होती है जो एकदम स्टेडीली वो अपना काम करती ही रहती है, सेल करती ही रहती है। वैसे वो जो सर है अपने, इस उम्र में पतंग ऐसे ही उड़ती है। नेहा एक मिनट भाई और बहनों। आप तो सारे बड़े रुस्तम में हिंद हैं सारे लोग, इस बहस को न जाने कहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन हमारा छुपा रुस्तम जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही संभावनाशील कवि है, एक ऐसा कवि जो सारी दुनिया में अपना नाम करने को बेताब है, जिसकी कविताएं मुझे भी बड़ी पसंद है, भारतीय रेलवे में वैसे काम करते हैं लेकिन हिंदी कविताओं के बड़े ही अच्छे सर्जक हैं। नाम है उनका मुकेश गौतम। बड़ी देर से प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, नोकझोंक भी चल रही थी, पॉपुलर जी बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, बता रहे थे कि घर में मुशायरा हो। लेकिन सर मैं एक बड़े ज्ञान की बात बताता हूँ, आप बहुत बड़े हैं। पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था जी, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। हाँ। यहाँ तक भी लोगों ने झेल लिया। एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे। यहाँ आके मामला बिगड़ गया। लेकिन शैलेश भाई सबसे बड़ी हालत खराब होती है जब एक घर में एक से ज्यादा कवि हो। और अगर मैं साबित कर दूं तो बताना कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत 4 रुबाई। फिर दूल्हे ने अपने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया आज तो सुहाग रात थी। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी भी आदमी का काम उसको बड़ा छोटा कर देता है। एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं, नदी और सागर। हाँ। बस बात यह है कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको फूलना नहीं है, और जब कोई आपकी आलोचना करे तो आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है कि जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाएंगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाएंगे। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की और तेजी से बहने लगी नदी। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी ने अपनी धारा को और तेज कर दिया। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की तो नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर बहने लगी थी नदी। ओहो, ओहो। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए,
बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया मुकेश। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं, वो छोटी है पर मीठी है। वाह। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं, कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीवन का सच्चा पता है। हाँ। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा मुकेश तुमने। बड़ा वो है जो सबको साथ लेके चले और सबका सम्मान करे। और आदमी जब बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो भीतर से उतना ही मजबूत होता है? ऐसा नहीं होता। तब मुनव्वर राणा का एक शेर मुझे याद आता है, जो वो कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इसलिए बड़ा होना शायद आसान हो, लेकिन बड़ा बना रहना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन निश्चित तौर पे आज मुझे मालूम है मुकेश गौतम, आज आपने यहाँ छुपे रुस्तम के रूप में कविता पढ़ी, ये बड़े होने की सीढ़ी पे एक बड़ा विशाल कदम है जो आप लेने जा रहे हैं। कल को आप एक देश के बहुत बड़े कवि होंगे और हम आपके लिए तालियां बजाएंगे। और हम आज इस मंच पे आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा कि नई पीढ़ी के मुकेश गौतम ने अपनी कविताएं सुनाई और बहुत अच्छे ढंग से सुनाई आज ये छुपे रुस्तम में, लेकिन कल को सारी दुनिया में इनका नाम होगा। इसलिए आज याद रख लीजिए, कल को आप कहेंगे कि हमने याद नहीं रखा, रख लीजिए मुकेश गौतम है इनका नाम। स्वागत है फिर से आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह क्या बात है। जब पतंगों की बात चलती है तो निश्चित तौर पे खुशियों की बात होती है, जब इतने सारे रंग आसमान में होते हैं तो क्या कहा जाए। लेकिन आदमी के जो दिल की पतंग है वो जब उड़ती है तो वो कहीं भी जा सकती है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। और आम आदमी की दिल की पतंग जब कविता बनकर उड़ती है तब क्या होती है, जरा देखते हैं। घरवाली से ज्यादा मुझे साली की याद सताती है, घरवाली से ज्यादा मुझे साली की याद सताती है, क्योंकि यार केक के साथ चेरी फ्री आती है। आपके स्माइल ने सारे जहां को हिला दिया, आपके स्माइल ने सारे जहां को हिला दिया, कोमा से जगे मरीज को परमानेंट सुला दिया। छमछम करती चांदनी टिमटिम करते तारे, छमछम करती चांदनी टिमटिम करते तारे, कोई भी SMS नहीं करता, बेशरम हो गए सारे। मैंने दिखा है एक ही ड्रीम, खाने के बाद मैं खाऊंगा बहुत सारी आइसक्रीम। आसमान में जितने तारे हैं, समंदर को जितने किनारे हैं, आंखों में जितने इशारे हैं, उतने ही स्क्रू ढीले तुम्हारे हैं। ये तो आम आदमी है जिन्होंने अपनी पतंगें उड़ाई कविता की, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी कविता की पतंग जब उड़ती है तो सिर्फ अपने ही देश में नहीं सारी दुनिया में छा जाती है। उनमें से एक नाम होता है पॉपुलर मेलिटी, एक ऐसे शायर जो जितने अच्छे शायर हैं उतने अच्छे इंसान। जब वो कविताओं पर बात करते हैं, हास्य पे बात करते हैं, व्यंग पे बात करते हैं, उनका जो खास अंदाज है निश्चित तौर पर पॉपुलर मेलिटी हमारे हिंदी कवि सम्मेलन और उर्दू मुशायरों के मंचों की एक थाती है। और बेहद खुलूस के साथ, बेहद प्यार के साथ, बेहद सम्मान के साथ वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे आज हम पॉपुलर मेलिटी को सम्मानित कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम बेहद प्रसन्न हैं पॉपुलर मेरठी साहब का यहाँ सम्मान करते हुए, क्योंकि हास्य व्यंग के क्षेत्र में निश्चित तौर पे उन्होंने जो काम किया है वो प्रणम्य है और वो सम्माननीय है। और बड़ा अच्छा लगता है जब जिसका सम्मान हो उसके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित हो। और बड़ी खुशी की बात है कि पॉपुलर साहब के भतीजे तबरेज यहाँ पे हैं, हम चाहते हैं कि वो इस माइक तक आए, मंच तक आए। जोरदार तालियां बजाएं तबरेज जी। एक मशहूर शायर का भतीजा होना तो क्या क्या सा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। और चाचा की जिंदगी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है जी, क्योंकि इतनी कामयाबी के बाद, इतना ऊंचाइयों के बाद, फिर भी उनकी सादा ज़िंदगी जो है उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। क्या बात है, वाह वाह। इनकी कोई खास ऐसी कोई याद जुड़ी हुई है बचपन में जब इन्होंने तुम्हें कुछ चीज़ के लिए डांटा हो, पीटा हो? नहीं, बचपन का मुझे एक वाक़ा याद आ रहा है जी। चाचा के साथ एक बार कहीं सफ़र ट्रेन में हुआ था तो उसमें कुछ शायर भी थे, तो ट्रेन काफ़ी तेज़ चल रही थी, एकदम एक लेडी वहाँ से आई
ट्रेन में, जो और वहाँ पे शायर वगैरह बैठे हुए थे उन्होंने कहा कमाल की औरत है। तो चाचा कहने लगे कि कमाल तो इनके देवर हैं, ये जमाल की औरत है। और इनका कोई खास घर में कुछ खास किसी खास किस्म की आदत है इनकी जो करते हैं? बहुत संजीदा रहते हैं। यहाँ स्टेज पे जो आप इनका रूप देखते हैं इतना सबको हंसाते रहते हैं, सब लोग हंसते हैं इनकी कविताओं में, लेकिन घर में बहुत संजीदा रहते हैं क्योंकि घर में चाची सामने रहती है इसलिए। लेकिन तब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और पॉपुलर साहब आपका हमने सम्मान किया। और सबसे खुशी की बात यह कि मकर संक्रांति का ये जो पर्व है हमने सबने मिलकर मनाया। जैसा कि मैंने कहा हमारे त्यौहार आपस में मिलाने के लिए होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे लिए हिंदुस्तान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो वतन जो हमारे भीतर बसता है। तब मुनव्वर राणा साहब व्यंग में एक शेर कहते हैं जो मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि ये देख कर पतंगे भी हैरान हो गई, ये देख कर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। क्या बात है, आइए लेट्स नॉट डू दैट, एक बने नेक बने और कहें वाह वाह क्या बात है।